हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने आया हूं। एक बार देख लेते हैं फिर से कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले हैं। टाइम देखिए 3 hours 15 minutes, मैक्सिमम मार्क्स 70। क्लियर है। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 minutes आपके लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दो भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए कॉन्टेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। जो OMR है मिलेगा उस पर आपको करने होंगे। और सेक्शन बी बता रहा है कि कॉन्टेंट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें लिखने होंगे। आर क्वेश्चन आर कंपल्सरी और मार्क्स इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जो भी मार्क है क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है कितने नंबर का है। ए और बी सेक्शंस में बटा हुआ है। ए सेक्शन 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी MCQ टाइप का होगा। और जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको लिखने होंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन ए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। 20 नंबर का MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन डायरेक्ट MCQ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसमें कुछ पैसेज और स्टेंजेस दिए हुए हैं, कुछ ग्रामर पोर्शन के प्रश्न होंगे, उसको हम देखते हैं। सेक्शन ए में कह रहा है कि सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, उसको ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का रिप्लाई करना होगा। जैसे देखिए, हु इज़ द नरेटर इन द एबव पैसेज, पहला क्वेश्चन दिया है गांधी जी। अब गांधी जी क्या किस क्या पूछ रहा है उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड स्टर्नली हियर मीन्स। अब इसमें कह रहे हैं कि ऊपर जो पैसेज है उसमें स्टर्नली का मतलब क्या होगा, तो आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि यहाँ स्टर्नली का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ देखिए ग्रामर पोर्शन से उठा दिया है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 and 8 वाला, 4 से लेकर के 8 तक। 4 में कह रहे कि सी हैज टू द पार्टी। अब श्योर है कि गो भरेंगे कि गॉन है कि इवेंट की गोइंग, यानी आप अपने अनुसार इसको फिल करेंगे। फिर आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर आपका जो OWS होता है, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी, यानी एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है वह क्या नहीं हो सकता है। पैट्रियट हो सकता है, ट्रस्टवर्दी हो सकता है, लॉयल हो सकता है, ट्रेटर नहीं हो सकता। ऐसे चूज करके आपको लिखने होंगे। क्लियर है। नंबर 7 में चलते हैं। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कह रहा है कि इसको आप रीअरेंज करना है वाक्य को, और ऐसे रीअरेंज करना है कि उसका पूरा पूरा भाव निकले। ठीक है, इसको आप रीअरेंज जानते ही हैं। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, और यह भी कह रहा है कि कौन सा इसमें जो वर्ड दिया हुआ है ना वो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसका स्पेलिंग सही है उसको टिक करना है। ठीक है, 3 तो गलत होगा, 1 सही उसमें लिखा होगा उसको आप क्या करना है, जो करेक्टली स्पेल्ड होगा उसको टिक करके OMR में गोला करना होगा। ठीक है, नंबर 9 पे चलते हैं। 9 कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। फिर से आपका देखिए पैसेज आ गया फिर से, और 9 और 10 क्वेश्चन जो होगा इस पैसेज पर डिपेंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु टर्न द पेजेस, तो इसमें देखिए मार्गी है और टॉमी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या होता है इसका जवाब। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि टॉमीज गेस वाज दैट, अब क्या होगा, आपको लग रहा है कि मार्गी वुड पोसेस द बुक, इस तरीके का उसमें जवाब पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक। कह रहे कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन। अब देखिए जो आपने प्रोज पढ़ा है ना उससे उस पर आपकी समझ को अब ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आप कितना प्रोज पोर्शन पढ़े हैं। कह रहे हैं कि व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर। अभी देखिए क्या कह रहा है, आप पढ़े हैं केजिया वाला चैप्टर तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका वहीं से क्वेश्चन है कि व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न, का पैदा हुए थे आइंस्टीन। फिर नेक्स्ट है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन वाई, यानी अचानक सब कुछ काला काला दिखने लगा आखिर क्यों। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्यों।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। एक स्टेंजा आया हुआ है, देखिए स्टेंजा आया हुआ है और स्टेंजा के बाद दो क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट डज येल्लो वुड मीन, येल्लो वुड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि द पोएट स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज, अच्छा लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा क्योंकि, अब क्योंकि नहीं उसके जवाब आगे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको जवाब मिलेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 16 to 20 तक है। देखिए इसमें भी बता रहा है कि आपका जो चैप्टर है मोमेंट, सॉरी चैप्टर नहीं कह सकते हैं, बुक है, उससे पूछा गया है। उस पर करेक्ट, सीटिंग इन स्टॉर्म एट हिज फ्रेंड्स हाउस प्रशांत वाज वरीड अबाउट, अब प्रशांत किसके बारे में चिंतित था, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है द फैमिली मेंबर डिसाइड टू सेल टोटो बिकॉज, फिर है ईश्वरन वाज एन असेट टू महेंद्र एज ही वाज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्डेड विद द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। इस तरह का जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना आप करेंगे, टिक करेंगे और टिक करने के बाद ओएमआर सीट पर आप पेंसिल से क्या करेंगे, गोला करेंगे, या पेंसिल से हो सकता है, नहीं तो ब्लैक पेन से आप गोला करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू टाइप हो गया, 50 क्वेश्चंस जो होंगे, 50 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं 50 जो नंबर होंगे वह आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सेक्शन बी का, इसमें भी आपके सामने आया है पैसेज और पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर करना है। देखिए पैसेज जो आपके सामने दिया, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आर फीमेल मॉस्किटोज डेडलियर देन मेल मॉस्किटोज, ठीक है। फिर हाउ आर मॉस्किटोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमन बींग्स, फिर कह रहा कि व्हाट कैन वी डू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो बाइट्स, विच वर्ड इन द पैसेज मीन। अब देखिए कभी कभी वर्ड मीनिंग भी पूछ रहता है कि टू ट्रांसफर मीन्स क्या होगा उपरोक्त पैसेज में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये जो हम लोग ग्रामर बोलते हैं ना वह शुरू हो गया, अनसीन पैसेज का खत्म। अब कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द DM शोइंग योर कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रेन। ये देखिए एक एप्लीकेशन है एक लेटर है, दोनों में से कोई एक करना होगा। सबसे ज़रूरी जो होता है ना वो आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे ध्यान से, क्योंकि जहाँ पर एनीवन लिखा है वहाँ एक ही अटेम्प्ट करने होंगे। आप लोग तेज़ी में क्या करते हैं, दोनों है आ रहा है दोनों दोनों कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, 23 में कह रहा है कि इसमें भी एनीवन ही करना है, एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन कह रहा है कि इन अबाउट 80 to 100 words लिखने होंगे। यू लव योर मदर वेरी मच, आप अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं। डिस्क्राइब हर इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में वो लिखने हैं। हिंट दिया हुआ है कि हर अपियरेंस वो कैसी हैं, उनका प्रेम व्यवहार कैसा है, उनका अफेक्शन प्रेम कैसा है, कुकिंग स्किल्स खाना बनाने में क्या क्या जानती हैं, हार्डवर्क परिश्रमी हैं, हर कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे फ्यूचर भविष्य को लेकर कितनी वो चिंतित हैं। ये सब बातें आप अपने मम्मी के बारे में लिखेंगे आर्टिकल के तहत, ठीक है। यह भी इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अब ये भी कह रहा है कि एनीवन, एक तो एक इस तरह का आ सकता है और दूसरा इस तरह का फिगर दे सकता है, और फिगर पिक्चर दे देगा और कहेगा कि आप इस पिक्चर को देख करके लिखिए आर्टिकल तैयार करिए। लिखा है जैसे लुक एट द पिक्चर्स एबव केयरफुली टेकिंग सजेशन फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल ऑन आंसर। अब थोड़ा सा सुन लीजिए फिर से, यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल टू हैव इमोशन, यानी जानवरों के भी अपने क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, इस पर आप इन फिगर्स को इन पिक्चर्स को देख करके आर्टिकल लिखने होंगे। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। नंबर 24 चलते हैं, 24 कह रहा है, अब हम लोग सीधे ग्रामर पोर्शन पे आ गए। रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला कह रहा है कि आपको नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, फिर पैसिव से क्वेश्चन आया है, पंक्चुएशन आया है, फिर आपके सामने ट्रांसलेशन आया है। दो दो नंबर का यह है, ट्रांसलेशन 4 नंबर का है।
यहाँ पर हमारा जो है ना खत्म हो जाता है ग्रामर पोर्शन कह सकते हैं। उसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे, आंसर द फॉलोइंग 30 या 40 वर्ड्स में लिखने होंगे। कह रहा है कि हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर द स्नैक। देखिए ये क्वेश्चन है, या ये कर सकते हैं, या व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन वाज वर्ल्ड सिटीजन, या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ए में दो क्वेश्चन दिया हुआ, एक आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। फिर बी में चलते हैं, बी में भी दो क्वेश्चन दिया हुआ है और बी में आर करके दिया, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी 25 क्वेश्चन नंबर में आप दो चार दिया है, दो अटेम्प्ट करने होंगे, क्लियर है। नंबर 26 चलते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में लिखने हैं। ऊपर दो क्वेश्चन, चार आएगा दो करने होंगे, 26 में दो आएगा एक करने होंगे, लेकिन शब्द बढ़ गए हैं, 60 शब्द में लिखने हैं। जैसे लिखा है राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ संतोष यादव, संतोष यादव का करेक्ट स्केच पूछा है, या तो ये करिए, या हाउ डिड अब्दुल कलाम, थोड़ा सा देख लेते हैं, कलाम साइंस टीचर ट्राई टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। चार नंबर का आपका ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इंस फ्री। ये कह रहा है कि आप मेंशन करिए, कुछ चीज़ों को लिखना है कि जब वह इंस फ्री जाता है, ठीक है। कितने शब्दों में लिखना है, तो ये कह रहा है कि आपको 40 शब्दों में यह लिखना है, तीन नंबर का यह होगा, ठीक है। अगर आप नहीं इसको लिखना चाहते हैं तो अथवा करके दिया हुआ है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम ए पोएम इंस्क्राइब इन योर सिलेबस। कह रहा है या तो 4 लाइन का एक कविता लिख दीजिए जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब दिया किया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो उसको नकल नहीं करना, ये आपको अच्छे से पता है, क्लियर है ना। दोनों में से कोई एक आप इजीली लिख सकते हैं, चाहे पोएम लिखिए और चाहे ये मेंशन थिंग्स दैट पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इंस फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोएम के बाद भी कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा 28 में। कह रहा है कि राइट सेंट्रल आइडिया एनी वन रैन ऑफ द रूफ विंड और नो मैन आर फॉरेन। देखिए तीनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, तीन नंबर का। 29 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30। अब देखिए एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, एक अटेम्प्ट करना है 30 या 40 शब्दों में। गिव सम एग्जाम्पल टू शो टू टोटो वाज अ नॉटी मंकी। टोटो वाज नॉटी, ये सप्लीमेंट्री रीडर की बात कर रहा है, शॉर्ट में एक ही अटेम्प्ट करना है, ध्यान रहे आपको, दो आएगा एक अटेम्प्ट करना होगा। और ठीक क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं, 30 में कह रहा है कि इसमें भी एक ही करना होगा, लेकिन 60 शब्दों में, चार नंबर का ये आपका होगा, क्लियर है। इसमें दिया है सपोज यू आर द गुरु, हाउ विल यू परसॉड योर डिसिपल्स नॉट टू लिव इन द किंगडम ऑफ फूल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी भी पूछा है, सपोज द लिटिल बॉय इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड फाउंड हिज पेरेंट्स इन द एंड, डिस्क्राइब हिज फीलिंग एंड रिएक्शन इन योर ओन वर्ड्स। कह रहा है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स से मिलता है अंत में, तो उसकी भावनाओं को आपको लिखना है। अब देखिए दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, यही है, आप लोग ध्यान से करिएगा, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।